गवर्नमेंट से हमें हायर अथॉरिटी के निर्देश आए थे कि कोविड के चलते जो शॉप जो अल्टरनेट डेज खुल रही हैं उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं ब्लैक मार्केटिंग और कोडिंग उसको कर रहे हैं सामान को, उस वजह से जो है चीज़ें महंगी बिक रही थी। तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने आज एक टीम बनाई थी जिसमें हमारे DSP साहब थे, असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग्स थे, हमारे लीगल मेट्रोलॉजी के असिस्टेंट कंट्रोलर साहब थे, TSO साहब थे, और ये इस टीम की ये जिम्मेवारी इनको सौंपी कि आज पूरा चेक करें आप कि किसी भी बड़े कोई साहूकार जितने हैं या होल सेलर हैं उन्होंने कोई माल को कोई डंपिंग ना किया हो ना, या उसके तहत कोई उसको महंगा ना बेच रहा हो। और ऑक्सीमीटर का जो स्पेशली था कि ऑक्सीमीटर जो है वो धड़ल्ले से बड़े हायर रेट्स पे बिक रहे हैं, तो उनको तो इसको चेक करने के लिए आज हमने ये दौरा किया था। और हम मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कोरोना का जो नुकसान है वो तो आपको पता ही है कि एक आम इंसान पे कोरोना का कितना नुकसान झेल रहा है, लेकिन उसके तहत हम लोगों का एक जिम्मेवारी है कि इसके आड़ में ब्लैक मार्केटिंग करना या होर्डिंग करना, सामान को दबा लेना और उसको फिर महंगे रेटों में बेचना, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारे हिंदुस्तान जो मुल्क है ये एक डेवलपिंग अभी कंट्री है और इसमें 70% जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार होते हैं, तो वो शाम को उन्होंने जो कमाना है दिन का वो रात को खाना है, तो उन लोगों पर इसका बड़ा असर होता है। तो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने काफ़ी जुर्माने किए हैं लेकिन अगर हमें इनपुट्स मिली तो फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी सीरियस होंगे, हम सीज़ भी करेंगे दुकानों को।